हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव। सो आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पैसिव इंटर पे किस तरीके से हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इजी भी है और सबसे ज़्यादा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, बट पैसिव इंटरफेस ये मैंने प्रोडक्शन में काफ़ी कम देखा है, बट दिस इज़ वेरी यूजफुल। इंटरव्यू में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, शायद किसके पास रीप ESLP OSP का नेटवर्क है, वो लोग भी पैसिव इंटरफेस का यूज़ करते हैं, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आज के पैसिव इंटरफेस इन रीप राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल में चलाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते कि ये टोपोलॉजी किस तरीके से मैंने बनाई है, उसमें क्या आईपी एड्रेसिंग स्कीमा है, और उसके बाद में मैं बताऊंगा कि पैसिव इंटरफेस किस तरीके से हमें कॉन्फ़िगर करना है और उसके वजह से हमारे टोपोलॉजी में क्या चेंजेस आते हैं और हमें ये चीज़ प्रोडक्शन लेवल पे या तो कंपनी लेवल पे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने तीन राउटर लिए, राउटर 1 राउटर 2 राउटर 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, /8 वैल्यू है, ओके। एज वेल एज मैंने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर देख लिखा हुआ है कि R1 के ऊपर मैंने एक लूप बैक क्रिएट किया है 10.10.10.10/32। R2 के ऊपर एक लूप बैक क्रिएट किया है /32 20 20 20 20। एंड R3 के ऊपर एक लूप बैक क्रिएट किया है 30.30.30.30/32। एज वेल एज मैंने R3 के ऊपर और भी 4 लूप बैक क्रिएट किए। ठीक है, loopback 1, loopback 2, loopback 3 एंड loopback 4, ऐसे 4 loopback क्रिएट किए। सिंपल सा आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया है, उसके अलावा मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। आपको मैं दिखा देता हूँ, सबसे पहले R1 के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ। शो रन, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, देखो, ठीक है, और ये इसको मैंने /8 का दिया है, सबनेट वास ओके, और इसको /32 ओके। खैर, सेम एज मैंने यहाँ पे यही कॉन्फ़िगरेशन किया है, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पैसिव इंटरफेस किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले आज के प्रैक्टिकल में हम लोग पैसिव इंटरफेस राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल उसके ऊपर रन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के प्रैक्टिकल का नाम ही है पैसिव इंटरफेस इन राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले मुझे राउटिंग प्रोटोकॉल एनेबल होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल रन करता हूँ version 2। तो सबसे पहले मैं R1 के ऊपर जा रहा हूँ, सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर रिप version 2। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एडवर्टाइज करना है नेटवर्क 1.0.0.0, सेकेंड नेटवर्क 10.0.0.0, नो ऑटो समरी। ठीक है, अगर मुझे यही कमांड देखना है, यही राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर देखना है कि मैंने क्या कमांड चलाई है, तो उसके लिए आपको कमांड देना पड़ेगा शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइप सेक्शन RIP रिप। जैसे मैं ये कमांड डालूंगा तब आपको यहाँ पे पता चलेगा कि मैंने version 2 के अंदर ये दोनों नेटवर्क एडवर्टाइज़ किए, और ये कमांड के थ्रू आप पता कर सकते कि आपने यहाँ पे मैंने जो कीवर्ड यूज़ किया वो है रिप, तो मतलब रिप के रिलेटेड जो भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया उसके बारे में ही आएगा। ठीक है, अभी देखो मैंने इसके ऊपर ESLP रन नहीं किया, तो मैं यहाँ पे ESLP डालूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, हमेशा ये इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आपने जो चलाया अपने राउटर के ऊपर ये कीवर्ड उसको सर्च करके आपको वही आउटपुट देगा। तो ये कमांड आप नोट डाउन कर सकते हैं, ओके, आप यहाँ पे पॉज करके नोट डाउन कर लो। अभी हम लोग जंप करते हैं router 2 के ऊपर, कॉन्फिगर टर्मिनल राउटर रिप version 2 नेटवर्क 1. देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, डू शो आईपी इंटरफेस रिप, हमें यही नेटवर्क देखना है, करेक्ट। सो नेटवर्क 1.0.0.0 फर्स्ट नेटवर्क, सेकेंड नेटवर्क 2.0.0.0, थर्ड नेटवर्क 20.0.0.0, नो ऑटो समरी। सेम एज यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइप सेक्शन रिप, देखो रिप में मैंने 3 नेटवर्क एडवर्टाइज किए यहाँ पे दिख रहा है। सेम एज router 3 के ऊपर मैं सेम कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, राउटर रिप version 2 नेटवर्क। तो सबसे पहले मैं 2 का नेटवर्क एडवर्टाइज कर देता हूँ, सेकेंड नेटवर्क है 30.0.0.0,
और थर्ड नेटवर्क इज 31.0.0.0, सभी के सभी उसके अंदर आ ही जाएंगे। ओके शो रन पाइप सेक्शन रिप। ओके फाइन, यहाँ तक तो हम लोगों ने कॉन्फिगरेशन कर लिया है। तो अभी मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे R1 के ऊपर जाके चेक करूँगा, बिकॉज अभी तक तो हम लोगों ने राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल सक्सेसफुली कॉन्फिगर किया है। तो ये जो राउट्स है एंड पॉइंट्स वाले राउट, लाइक इसके बैकएंड में 20.20.20 जो कि लूपबैक की बात करो वो नेटवर्क है, ठीक है। तो ये सबके सब नेटवर्क R1 के पास आना चाहिए, उसकी रीचेबिलिटी भी होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले R1 के ऊपर जाके मैं चेक करता हूँ शो IP राउट। जैसे मैं शो IP राउट चेक करूँगा, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे दिखेंगे राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल से। अभी यहाँ पे मुझे फिल्टर करना है इस चीज़ को भी, मुझे ओनली राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल रीप के ही राउट्स देखना है। तो मैं रीप डाल दूँगा शो IP राउट रीप, तो मुझे यहाँ पे रीप के राउट्स देखेंगे। देखो यहाँ पे R स्टैंड फॉर द रीप, और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मुझे R3 के ऊपर के जो राउट्स है वो भी सबके सब राउट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। दोनों राउट्स दिख रहे हैं, 30 का भी नेटवर्क दिख रहा है एंड 31 का भी नेटवर्क दिख रहा है। फर्दर नेटवर्क इज कनेक्टेड। ओके अगर रिप के जगह मैं कनेक्टेड डालूंगा तो जो मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है उसके बारे में दिखाएंगे, ठीक है। दिस इज एल, एल स्टैंड फॉर द लोकल। ओके तो लोकली जो भी कनेक्टेड है उसके बारे में भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके हालांकि इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं कि पैसिव इंटरफेस किस तरीके से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ इस टोपोलॉजी में, जो यहाँ पे हमें राउटर 3 दिख रहा है, इस राउटर 3 के ऊपर मैं पैसिव इंटरफेस करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर इंटरफेस को। तो जैसे मैं पैसिव इंटरफेस करूँगा तो ये क्या करता है, मोस्टली साइलेंटली सभी अपडेट्स अपने पास लेता है, ठीक है। लेकिन खुद के अपडेट्स, इसके ओन अपडेट्स, ओन अपडेट्स मतलब ये एक नेटवर्क है उसका खुद का वाला, ठीक है, एज वेल एज 30 का नेटवर्क है। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, मैं माउस से क्लिक कर रहा हूँ इसकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मेरे पास 31 का नेटवर्क है, 30 का नेटवर्क है। तो ये जो खुद के अपडेट्स है राउटर 3 के, ये नेबर राउटर के पास पास नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ, राउटर 3 ये साइलेंटली सभी राउट्स लर्न करने का काम करेगा, बट ये खुद के अपडेट्स जो है, खुद के राउट्स है वो नेबर राउटर को प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। ये यूज़ होता, ये हम लोग पैसिव इंटरफेस करने के बाद वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पैसिव इंटरफेस इस पर्टिकुलर इंटरफेस को करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी राउट्स हैं वो इस इंटरफेस के थ्रू ही बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन है, एक ही स्टेप का कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं R3 के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, कॉन्फिगर टर्मिनल राउटर रिप पैसिव इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस है तो यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ, मेरे पास है S1/1, तो मैं उस पर्टिकुलर इंटरफेस के ऊपर ही करने वाला हूँ, S1/1। ओके जैसे मैंने इसको पैसिव इंटरफेस S1/1 कर दिया है, मतलब अभी क्या होगा, ये राउटर साइलेंटली सभी अपडेट्स रीड करने का काम करेगा, लेकिन खुद के अपडेट सामने में प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया कि R3 के पास सभी राउटर्स के अपडेट्स आते रहेंगे, शो IP राउट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते R3 के पास तो खुद के सब अपडेट्स है ही, ठीक है, 30 का नेटवर्क खुद का है, 31 का नेटवर्क है, खुद का नेटवर्क है, सब है। उसके बाद 2 का भी नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, 1 का नेटवर्क, 10 का नेटवर्क, 20 का नेटवर्क, ये जितने भी नेटवर्क्स दिख रहे हैं सबके सब रीप होकर उसके पास आ रहे हैं, मतलब R3 के पास सब अपडेट आ रहे हैं। तो अभी मैं सेम चीज़ R2 के ऊपर जाके चेक करता हूँ, शो IP राउट, ठीक है। रीप ये प्रोटोकॉल थोड़ा स्लो प्रोटोकॉल है, थोड़ा टाइम लेता है, तो हमें इसका वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सेम एज मुझे R1 के ऊपर भी चेक करना है। अगर आप वेट नहीं कर सकते तो और एक तरीका होता है क्लियर IP राउट स्टार करके, तो अभी आप अपना राउटिंग टेबल को क्लीन कर सकते हैं, तो आपको फट से रिजल्ट मिल जाएगा। तो अभी भी ये चेंज नहीं हो रहा है तो मुझे क्लियर IP राउट स्टार ही यूज़ करना पड़ेगा, वो बेटर है, ठीक है। क्लियर IP राउट स्टार, ये राउटिंग टेबल को क्लियर करने का काम करता है। सेम एज R1 के ऊपर भी चला लूँगा मैं,
क्लियर आईपी राउट स्टार, फिर से राउटिंग टेबल एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लेगा शायद, फट से हो भी गया ये। ओहो R3 के ऊपर तो ऑलरेडी है, R2 के ऊपर चेक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम लोग इसका प्रीवियस वाला जो राउटिंग टेबल देखा था, जिसके अंदर मुझे 31 का भी नेटवर्क दिख रहा था एज वेल एज 30 का भी नेटवर्क दिख रहा था, जो कि मुझे R3 के थ्रू मिल रहा था। बट अभी R3 क्या क्या है, R3 ने ये अपडेट्स देना बंद कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ द पैसिव इंटरफेस। मैंने S1/1 को पैसिव इंटरफेस किया, जिसके वजह से इसने 31 का नेटवर्क एज वेल एज द 30 का नेटवर्क दोनों के अपडेट देना बंद कर दिया है, जिसके वजह से R3 एंड R2 ये पर्टिकुलर नेटवर्क को रीच नहीं कर पाएंगे। बट R3 ही विल रीच ऑल ओवर द नेटवर्क, जितने भी नेटवर्क में आई पी एड्रेस है सबको रीच करने का काम करेंगे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले मैं R3 पे जाता हूँ, R3 से पिंग करता हूँ R2 का लुक बैक। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे शो आई पी राउट भी चलाता हूँ तो मुझे दिख ही जाएगा जो राउटिंग टेबल में राउट्स है उसको तो पिंग होना ही है। तो स्टिल मैं यहाँ पे एक बार कन्फर्मेशन के लिए चेक कर लेता हूँ। ठीक है, पिंग हो रहा है R2 के लुकबैक को, उसके बाद 1.1.1.1 R1 का इंटरफेस, अभी R1 के लुकबैक को भी पिंग करके देखता हूँ मैं, मतलब यहाँ तक तो मेरा सब कुछ पिंग हो रहा है, लेकिन अभी मैं R1 से देखता हूँ वो कहाँ तक पिंग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला, R1 से इसको पिंग करूँगा, उसके बाद इसको पिंग करूँगा, उसके बाद इसको पिंग करूँगा, मतलब ये इंटरफेस IP एड्रेस, उसके बाद इस पर्टिकुलर नेटवर्क को पिंग करूँगा। सबसे पहले R1 के ऊपर जा रहा हूँ मैं, पिंग 1.1.1.2, चलो पॉइंट टू पॉइंट तो पिंग हो रहा है। उसके बाद R2 के लुकबैक को भी ट्राई कर लेते हैं, R2 का लुकबैक भी पिंग हो रहा है, R2 का S1/1 इंटरफेस 2.2.2.1 यहाँ तक भी पिंग हो रहा है, उसके बाद R3 का S1/1 इंटरफेस जिसके ऊपर हम लोगों ने पैसिव इंटरफेस किया हुआ है यहाँ तक पिंग हो रहा है। ठीक है, अभी मैं पिंग करता हूँ R3 के लुकबैक को, यहाँ पे आप देख सकते हैं R3 का लुकबैक पिंग नहीं हो रहा है, एज वेल एज जो यहाँ पे मैंने 4 लुकबैक क्रिएट किए वो भी पिंग होते कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं, वो भी पिंग नहीं होने वाले 31.0.0.1 यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, वो भी पर्टिकुलर आई पी एड्रेस पिंग नहीं हो रहे। सो यही कंसेप्ट है, मोस्टली पैसिव इंटरफेस क्या करता है, साइलेंटली सभी अपडेट्स लेता है लेकिन खुद के अपडेट सामने में प्रोवाइड नहीं करता। अभी हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर देते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन में मैं क्या करता हूँ, जो मैंने पैसिव इंटरफेस लगाया था वो निकाल देता हूँ, राउटर रिप नो पैसिव इंटरफेस S1/1। ठीक है, जैसे मैंने निकाल लिया तो R1 के पास कुछ राउट्स आने चाहिए। ठीक है, थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, अगर वेट नहीं कर सकते तो जैसे कि मैंने बताया वो कमांड हमें यूज़ करना है, कौन सा कमांड था वो, क्लियर IP राउट स्टार, सेम एज ये कमांड मुझे यूज़ करना है R2 के ऊपर एंड R1 के ऊपर भी, राउट स्टार एंड R2 के ऊपर मैंने यूज करना है। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने यूज़ किया, अभी R2 का बिफोर वाला राउटिंग टेबल ये था, अभी हम लोग न्यू राउटिंग टेबल देखते हैं कुछ चेंजेस हैं। डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये राउट्स आ गए, सेम एज R1 के ऊपर भी हम लोग प्रीवियस वाला राउटिंग टेबल ये था, अभी हम लोग नया वाला राउटिंग टेबल देख लेते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, सेम जो मैंने कमांड चला के देखा था पिंग का, तो मैं सेम कमांड यूज़ करता हूँ अभी। ठीक है, प्रीवियस में नहीं हो रहा था बिकॉज पैसिव इंटरफेस था, अभी पैसिव इंटरफेस हटा दिया है तो डेफिनेटली हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 31.0.0.1 इसको भी पिंग होगा, उसके बाद 1.1 जो उसके सब इंटरफेसेस क्रिएट किए मैंने, सब इंटरफेसेस नहीं लुकबैक्स क्रिएट किए। ठीक है, तो इस तरीके से पैसिव इंटरफेस वर्क करता है राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के ऊपर। मैं इसके बाद में जो लेक्चर बनाने वाला हूँ उसके अंदर मैं बताऊँगा कि पैसिव इंटरफेस EIGRP प्रोटोकॉल के ऊपर किस तरीके से वर्क करता है, और सेम कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन मत कर रखो, क्योंकि ये पैसिव इंटरफेस कंसेप्ट रिप के लिए भी सेम यूज़ होता है, EIGRP के लिए भी सेम यूज़ होता है, और OSPF के लिए भी सेम यूज़ होता है। आप सेम टोपोलॉजी बना सकते हो, और सेम टोपोलॉजी में जैसे कि मैंने अभी R3 के S1/1 के ऊपर कॉन्फिगर किया है, सेम एस EIGRP में भी जाके आप सेम कमांड चलाओ, OSPF में भी जाके सेम कमांड चलाओ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन,
अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड करता हूँ, ठीक है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहे। और मैं CCNA के साथ साथ CCNP के भी कुछ वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, लाइक मैं कुछ CCNP के वीडियोस है उसका अलग से चैनल नहीं बना पाया अभी तक, ठीक है, लेकिन मैं इसी कोर नेटवर्क ट्रेनिंग के अंदर ही इन फ्यूचर एक प्लेलिस्ट क्रिएट करूँगा जिसके अंदर CCNP के भी वीडियोस देंगे। तो मेरा चैनल के साथ अपडेट रहो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय।